हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनामिका और आज हम फिर से आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी दोनों को हम साथ में लेके चल रहे हैं। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको यहाँ पे सारे तरीके से तैयार किया जाएगा, इंक्लूडिंग योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पार्ट, ताकि आप अपने जो यूपीएससी का एग्जाम है उसके लिए एक सिस्टमैटिक वे में खुद को तैयार कर पाओ। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो भी अगर आप बाइलिंगुअल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो या हिंदी या इंग्लिश कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जाएंगी, जो कि 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो अपने आपको एनरोल करना इसमें मत भूलिएगा। पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज आपको दिए जाएंगे एनालिसिस के साथ। उसके बाद जो भी पढ़ाया जाएगा उसका डाउट सेशन भी होता है, आपका क्लियरिंग सेशन, ताकि आप जितने भी अपने डाउट्स हैं वो अपने एजुकेटर से क्लियर कर पाओ। फिर आपको इंटरव्यू के लिए भी जो पहले बैचेस के आईएएस ऑफिसर या फिर डिफरेंट रह चुके हैं वो आपकी हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर। डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर वन ईयर की सब्सक्रिप्शन चाहिए या 2 ईयर की सब्सक्रिप्शन चाहिए तो, लेकिन आपको रेफरल कोड RANK10 यूज करना है। डिस्काउंट के साथ साथ 10% डिस्काउंट के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स, बुक के PDF और मेंटोरशिप, ये तीनों चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं अगर आप RANK10 कोड यूज करते हो। ठीक है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे आपको सारे लेसन्स फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको जितनी भी चीजें जरूरी हैं वो एजुकेटर्स यहाँ पे डेली आपके लिए ला रहे हैं, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी जो है ऑलरेडी पायल गुप्ता मैम शुरू कर चुकी हैं, उसको अच्छे से कवर कर लो आप। बहुत ही अच्छे वे में वो पढ़ाती हैं तो आपको समझ में आ भी जाएगा। आर्ट एंड कल्चर मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ तो आप उसे भी देख लेना। कुछ हिस्ट्री के पार्ट और कुछ पॉलिटी के पार्ट भी मैं कवर कर चुकी हूँ, वो भी आप देख लेना। इस चैनल पे जो जो मौजूद है सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या पढ़ रहे थे हम? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। पिछले लेसन में इसे कम्प्लीट किया हमने। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे सिर्फ ब्रिटिशर्स के बारे में और इनके पावर के कंसोलिडेशन के बारे में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होगा ये भी और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। मेन मुद्दा जो होगा आज के चैप्टर का, आज के इस लेसन का, वो दो चीजें होंगी। आज हम बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर को डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा सा ये जानना जरूरी होगा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना पावर कंसोलिडेट करना शुरू किया, क्या वजह क्या थी बैटल ऑफ पलासी के होने के, क्या क्या चीजें हो रही थी जिसने बैटल ऑफ पलासी को जन्म दिया। ठीक है, बैकग्राउंड हम जानेंगे तो ही तो मेन्स आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे ना, तो इसीलिए इसे आज हम देखेंगे। क्या क्या पढ़ा था हमने पिछले लेसन में, क्या क्या पढ़ा था कुछ याद है आपको? बहुत सारी चीजें पढ़ी थी ना हमने। हमने पढ़ा था यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिव ईयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और क्या पढ़ा था, फ्रेंच के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हमने शायद डील किए थे कार्नाटिक वॉर से रिलेटेड, राइट। मेंस के क्वेश्चन और प्रीलिम्स के क्वेश्चन दोनों हमने डील किए थे। अब आज हम देखेंगे कि आखिर ये ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से अपने आप को सक्सेस हासिल किया। तो पिछले लेसन में एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ऑल दो बहुत सारे आए यूरोपियंस लेकिन सिर्फ ब्रिटिशर्स ही सक्सीड हुए, ऐसा क्यों? तो बताया था मैंने सारा आंसर आपको, है ना। उनकी नेवल सुपीरियरिटी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उनका होना, स्टेबल गवर्नमेंट का होना, लेसर ज़ील ऑफ रिलीजन और यूज ऑफ डेट मार्केट, ये सारे एक्सप्लेन करे मैंने। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। सुपीरियर आर्म्स, मिलिट्री और स्ट्रेटेजी तो थी इनके पास, है ना, क्योंकि ये काफी ज्यादा इनके आर्म्स के मामले में और फायरिंग स्पीड जो होती है इनके आर्म्स की वो काफी ज्यादा अच्छी थी, इनकी रेंज काफी ज्यादा अच्छी थी, इनके पास मस्केट्स होते थे, कैनन्स होते थे, और उसके बाद बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन और रेगुलर सैलरी था। आखिर मिलिट्री पर्सनल को आप रेगुलर सैलरी दोगे, या किसी भी इंसान को अगर रेगुलरली आप उसके वर्क के लिए पे करोगे तो ही तो वो मन लगा के काम करेगा ना। तो यहाँ के आर्मी पर्सनल को कोई पैसे वैसे की दिक्कत होती नहीं थी, और ऊपर से आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको मेंटेन करने के लिए कैसे क्या 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 चीजें करती थी, वहां से उनको डेट मार्केट से पैसे भी उठा के इनको सपोर्ट करती थी, फाइनेंशियल बैकअप सपोर्ट इनके पास हमेशा रहता था, स्ट्रांग रहता था, इसीलिए इनको हेल्प मिलती थी।
जो इनकी लीडरशिप थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, वेल डिसिप्लिन थी, सिविल डिसिप्लिन भी इनमें काफी अच्छा था, और सिलेक्शन का जो टाइप था, जो भी सिलेक्ट करते थे ये ऑफिसर्स, कंपनी के ऑफिसर्स या फिर जो भी ट्रूप्स में जो सिलेक्शन होते थे, जिनको चार्ज दिया जाता था कि किस तरीके से आपको मतलब मेंटेन करना है, तो ये ऐसे नहीं कि किसी को भी दे दिया जाता था हेरिडार्टी के नाम पे या कैसे भी, इनको प्रॉपर जो है इनको रिलायबल कराया जाता था इनके स्किल के लिए, इनके ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद ये हेरिडेटरी या कास्ट बेसिस पे या क्लैन बेसिस पे नहीं होता था, बिल्कुल इनको एकदम मेरिट पे जो है वो सिलेक्शन मिलता था, ठीक है। और ब्रिलियंट लीडर्स थे इनके पास, मैंने बताया बैरन हास्टिंग का नाम ले लो, थॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन्स का नाम ले लो, डलहौजी का नाम ले लो, सरेर कूट के बारे में हमने देखा था, आर्थर वेलेस्ली थे इनके पास, बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स थे इनके पास जिन्होंने इनको काफी ज्यादा एक जो मेंटोरशिप है, जो इनकी गवर्नरशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। और नेशनल प्राइड, अपने देश के लिए यहाँ के लोग जो है काफी ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के हेल्प करते भी थे, और ये भी एक वजह बनी थी। कुछ हिस्टोरियंस आपको यहाँ पे ये डिस्कस करने को मिलेगा कि आखिर ब्रिटिश पावर का इंडिया में शुरुआत हुआ कब, When did the British period begin in India? ये क्वेश्चन अगर आता है तो डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस के ना डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। कुछ का कहना है कि जब आपके 1740 में एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल शुरू हुआ सुप्रीमेसी के लिए इंडिया में, तो हम कह सकते हैं जो कि उनके ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का जो रिजल्ट था इंडिया में होना, कार्नेटिक वॉर का, तो उसे कहा जाता है कि वो था जब यहाँ पे जो ब्रिटिश पीरियड शुरुआत हो चुकी थी। किसी का कहना है कि जब 1757 में ब्रिटिशर्स ने नवाब ऑफ बंगाल को पलासी के युद्ध में हराया तो शुरू हुआ। किसी का कहना है कि 1761 में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसने मराठास ने अहमद शाह अब्दाली को जो है डिफीट किया, तब जाके एक इंडियन हिस्ट्री के फेज की शुरुआत हुई है। तो मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें, ऐसा है। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए भी सवाल होता है कि क्या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहाँ से शुरू हुई है या कहाँ से शुरू हुई है। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ये हम क्यों डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि बंगाल का की क्या स्थिति थी जब ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर कब्जा किया था। तो ये हम इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि हम समझेंगे कि क्या क्या वजह बनी थी जो मतलब इंग्लिश के सक्सेस को तो हमने देख लिया कि क्यों ये सक्सेसफुल हुए थे, किस तरीके से इनको एक फाइनेंशियल रिसोर्सेस प्राप्त थे, किस तरीके से इनकी जो आर्मी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, इनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता था, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे इनका बंगाल वाले रीजन को कॉन्क्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ी वजह थी। बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पे बंगाल जो है एक पहला किंगडम था जो कि ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया था। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, विच वॉज द फर्स्ट किंगडम टू बी ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, तो ये था बंगाल वाला पार्ट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल था, बहुत ज्यादा रिचेस्ट प्रोविंस था इंडिया का, इसलिए भी मतलब ब्रिटिशर्स इस पे अपना राज करना चाहते थे, और ये बहुत ज्यादा वेल नोन था अपने टेक्सटाइल के लिए, सिल्क के लिए, सॉल्पेटर के लिए, तो भी ये काफी ज्यादा अच्छा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड करती थी वो इसी प्रोविंस के थ्रू करती थी। नियरली 60% जो ब्रिटिश इम्पोर्ट होता था एशिया से, जो भी गुड्स आते थे वो बंगाल के थ्रू ही आते जाते थे। 1717 में कंपनी को एक बहुत अच्छी चीज मिली थी, वो थी फारूक सियार के द्वारा फरमान का ग्रांट होना, है ना, जिसमें उनको ट्रेड करने के लिए बंगाल में बिल्कुल परमिशन दी गई थी, और उसके बाद उसको ड्यूटी भी पे नहीं करना था गवर्नमेंट को। लेकिन एम्प्लॉइज जो थे कंपनी के वो अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे, और वो इंडियन मर्चेंट्स को तब भी टैक्सेस नहीं देते थे, और यही एक कॉन्फ्लिक्ट की जो है वो वजह बनी थी। फरमान जो है एक कॉन्फ्लिक्ट कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में किस लिए बनी, ट्रेड जो है वो किस तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गया, किस तरीके से मिसयूज किया गया दस्तक का, और किस तरीके से कंपनी के सर्वेंट जो है वो अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए यूज कर रहे थे कंपनी के फरमान को, मतलब उनके द्वारा दिए गए फरमान को या फिर दस्तक का मिसयूज किस तरीके से कर रहे थे, ये सारी चीजें ही आपकी बैटल ऑफ पलासी से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या कि बैटल ऑफ पलासी क्यों हुआ। तो जब 1757 से 65 का टाइम पीरियड चल रहा था ना, तो सारा का सारा जो सत्ता का पावर है वो नवाब ऑफ बंगाल से हटके ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। अब क्यों चला गया और इसके जाने से क्या हुआ, और मतलब इसकी वजह क्या थी, मेन जब वजह क्या थी,
तो मेन वजह यही थी, बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, तो अब हम दो चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी ये क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, और ये बैटल ऑफ पलासी हुआ क्यों, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानिएगा आप। इस बैटल के बाद क्या हुआ, इस बैटल को करने के लिए इंग्लिश ने क्या क्या षड्यंत्र रचा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आपको पता है कि अर्लिएस्ट इंग्लिश सेटलमेंट जो है वो ईस्टर्न इंडिया में हुई थी, है ना, जो कि बंगाल वाला प्रोविंस था 1633 में। फैक्ट्री उन्होंने पहले अपने हरियरपुर और बालासोर जो ओडिशा वाला रीजन था वहां पे पहली फैक्ट्री उन्होंने सेटअप करी थी, और बंगाल में इन्होंने पहली फैक्ट्री कब सेटअप करी थी, हुगली में 1651 में। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें नोट करते जाइए आप। उसके बाद उन्होंने कासिम बाजार को अपना हथियाया, पटना को हथियाया, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे रीजंस थे जो कि उसके आसपास थे, उसको उन्होंने हथियाया। ट्रेड के लिए मेनली ये सिल्क का, कॉटन का और शुगर का, ये सब का मेनली वो ट्रेड करते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज हुई वो इनको हुआ फरमान का मिलना। 1756 में सिराजुद्दौला ने सक्सीड किया अपने ग्रैंडफादर अली वर्दी खान के जगह पे, कौन आया, सिराजुद्दौला है एज अ नवाब ऑफ बंगाल। तो इंग्लिश जो विक्ट्री उस समय कर्नाटक के रीजन में हो रही थी उससे ऑलरेडी सिराजुद्दौला जो है ना वो चिढ़े हुए थे, उनको ये लग रहा था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर रही है, वो उसके पावर को रोकना चाहते थे, उसके जो ग्रोइंग जो उनका इन्फ्लुएंस था उसको कर्ब करना चाहते थे। Meanwhile क्या हुआ यहाँ पे कि जो इंग्लिश थे उन्होंने कैलकाता के फोर्ट को, मतलब कैलकाता को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था। किससे बचने के लिए, फ्रेंच से बचने के लिए उन्होंने कैलकाता को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन इन्होंने नवाब की परमिशन नहीं ली थी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर जब नवाब की परमिशन नहीं ली इन्होंने तो नवाब को तो गुस्सा आएगा ही। अब ये फरमान का भी उस समय उनको इशू कर दिया गया था 1651 से 56 के टाइम पीरियड में, और 1672 में ये चीजें बढ़ती गई, फरमान पे फरमान उनको मिलते गए। ब्रिटिशर्स जो है एग्जेम्प्टेड हो गए कस्टम ड्यूटी से भी, वो कोई भी मतलब, और उनको कोई भी मतलब ये कहते हुए थे कि हम एक इंडियन अथॉरिटीज को फिक्स्ड सम दे ही रहे हैं तो हम कोई भी ड्यूटी नहीं देंगे, तो अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी उन्होंने जो है इंडियन मर्चेंट्स को पे करना बंद कर दिया था। 1698 में इंग्लिश को एक जमींदारी वाला भी जो चीज है वो मिल गई थी, सुतानती वाला, कलियाबाता या गोविंदपुर वाला जो रीजन था वो 1200 रुपये बस सालाना पे करके उनको वो रीजन भी मिल चुका था। फिर उसके बाद फोर्ट विलियम में उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, और उसके बाद आपको पता है पिछले लेसन में मैंने बताया था सर एयर कुट को उसका पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था फोर्ट विलियम्स का। अब ये सबसे अच्छी चीज जो हुई कि इनको प्रिविलेज मिला जब रॉयल फरमान जो है यहाँ पे मुगल एम्परर फारूक सियार ने इनको दिया था, यहाँ पे इनको फ्रीडम था एक्सपोर्ट का, इम्पोर्ट का, जो भी गुड्स इनके लाते थे या ले जाते थे विदाउट पेइंग टैक्सेस, इनको पूरा राइट था कि वो अपने जो पासेस हैं उसको इशू कर सके, दस्तक को यूज कर सके फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। तो दस्तक क्या होता है, मतलब आवागमन, है ना, तो उनको फ्री पासेस मिले हुए थे, दस्तक मिली हुई थी उनको, बट उनको कुछ अमाउंट जो है इंडियन मर्चेंट्स को पे करना था, लेकिन इन्होंने ये भी करने से जो है वो डिनाई कर दिया कि हम नहीं करेंगे भैया। अब इसी के कारण जो है कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में छिड़ गया युद्ध, क्योंकि नवाब ऑफ जो रेवेन्यू था बंगाल का वो नवाब के लिए वो काफी ज्यादा लॉस में जा रहा था, और जो गवर्नमेंट की कंपनी थी या कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी या उनके ऑफिशियल्स थे वो दस्तक का बार बार मिसयूज कर रहे थे अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी। तो दोनों जो मुर्शिद कुली खान थे और अलीवर्दी खान थे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था दस्तक को, लेकिन कोई भी एक फाइनल स्टेप इनके लिए नहीं ले पा रहा था। लेकिन जब यहाँ पे सिराजुद्दौला ने रिप्लेस किया अली वर्दी खान को अपने ग्रैंडफादर को, उनकी राजगद्दी पे वो आए, तो उन्होंने रॉयल फरमान के अगेंस्ट जो है अपना अपनी वर्डिक्ट दी कि भाई नहीं, ये मिसयूज जो है दस्तक का ये ज्यादा टाइम तक अब हम नहीं चलने देंगे। अब जो भी सर्वेंट्स हैं कंपनी के उनको जो है ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ेगी। उन्होंने रिफ्यूज जो करते थे पे करने के लिए टैक्सेस को अपने गुड्स के लिए, ये चीज नवाब को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने कहा कि उनको जो है इंडियन मर्चेंट्स को अपने गुड्स जो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए पे करना पड़ेगा। सेकेंड रीजन क्या था, सेकेंड सीन क्या हो रहा था कि वही इंग्लिश और फ्रेंच जो है
उस समय फाइट कर रहे थे, और यहाँ पे जो इंग्लिश है उन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था कलकत्ता को, लेकिन इन्होंने क्या है इनकी परमिशन नहीं दी थी, और जो चीज नवाब को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो उनका फैक्ट्री थी कासिम बाजार में वो सीज कर लिया। पहला स्टेप तो उन्होंने ये किया, उसके बाद उन्होंने फोर्ट विलियम जो कलकत्ता का था ना उसको सीज कर लिया। 20 जून 1756 को उन्होंने इस फोर्ट को अच्छे से सीज कर लिया, और यहीं पे आपका कहा जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, ये इंसिडेंट हुआ था, जहां पे ऐसा माना जाता है, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस ऐसा माना जाता है कि एक छोटे से कमरे में जो है कम से कम 146 इंग्लिश पर्सन्स को भर दिया उन्होंने एक टिनी रूम में, जिसमें से कि 123 लोग सफोकेशन से जो है वो मर गए, और इसी को कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ये तो हुआ ब्लैक होल ट्रेजेडी, और यही ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है आगे चल के किसके किस में तब्दील हो गया, ये तब्दील हो गया आपके बैटल ऑफ पलासी में। तो यहाँ पे जो इंग्लिश थे वो काफी ज्यादा नाराज तो इस बात से थे कि किस तरीके से सिराजुद्दौला जो है इनको मना कर रहा है, किस तरीके से वो कलकत्ता को मार्च कर लिया, मुर्शिदाबाद को उसने ले लिया। तो सिराज के सक्सेस जो है वो थोड़े टाइम के लिए चली जब रॉबर्ट क्लाइव अराइव हुए। वो अराइव हुए अपनी एक स्ट्रांग मिलिट्री फोर्स के द्वारा, और उन्होंने कलकत्ता को पूरे का पूरा वापस ले लिया जो उन्होंने हथियार रखा था 1757 में। उन्होंने कंपेल किया नवाब की आपको जो है जितनी भी डिमांड है इंग्लिश की इंक्लूडिंग कलकत्ता को फोर्टिफाई करना वो आपको माननी पड़ेगी, लेकिन नवाब ने ऐसा करने से बिल्कुल कर दिया इनकार। इंग्लिश फिर भी मतलब सेटिस्फाई नहीं थे, उनको ये था कि भाई हमें ऐसा नवाब चाहिए जो हमारे हाथ की कठपुतली हो, हम जो जब कहें वो मान ले, तो ये सिराजुद्दौला को तो भाई हटाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि एक कमांडर था सिराजुद्दौला के टाइम में मीर जाफर जिसका नाम था, उसके साथ उन्होंने कर दी कॉन्स्पिरेसी, मिली भगत करके उन्होंने ये कमांडर जो था नवाब की आर्मी का उससे मिलके उन्होंने सिराजुद्दौला को हटाने का पूरा कर लिया षड्यंत्र, और उसके बदले में उन्होंने मीर जाफर को क्या कहा कि भैया हम तो तुम्हें बना देंगे नवाब, और उसके बदले तुम्हें जो कंपनी है बहुत ज्यादा रिवार्ड देगी, बहुत ज्यादा पैसे देगी, और ये सारे प्रलोभन देके मीर जाफर को कर लिया अपनी तरफ। अब यही हुआ कि ये जो ब्रिटिश थे और नवाब थे दोनों ने युद्ध छेड़ दिया एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन चूंकि मीर जाफर जो कमांडर था उसके अंडर में था तो बहुत सारे जो लोग थे इसके जो मिलिट्री पर्सनल थे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। जो आर्मीज थी वो पलासी के फील्ड में पलासी के मैदान में इकट्ठी हुई, दोनों ने जो है जो कि मुर्शिदाबाद से कुछ 20 मील दूर है साउथ की तरफ है, तो ये पूरे 23 जून को 1757 को ये युद्ध हो गया। लेकिन मीर जाफर की कॉन्स्पिरेसी के कारण ये जो बैटल है ये ज्यादा टाइम तो चला नहीं, सिर्फ मतलब मेजर पार्ट जो था नवाब की आर्मी का वो मीर जाफर के कंट्रोल में था, तो उन्होंने फाइट ही करने से इनकार कर दिया, और नवाब को फोर्सफुली कहा गया कि आपको यहाँ से मतलब भागना पड़ेगा, लेकिन बाद में उसको कैप्चर कर लिया, और जो मीर जाफर के बेटे थे जिसका नाम मिरान था उसने ही उसकी हत्या कर दी। इस तरीके से हुआ था ये बैटल ऑफ पलासी। अब देखिए कि आफ्टर पलासी जो है वो क्या हुआ कि जो मोनोपोली थी ट्रेड के मामले में और कॉमर्स के मामले में बंगाल वाले रीजन पे वो पूरी की पूरी किसके हाथ में चली गई, अंग्रेजों के हाथ में चली गई। ठीक है, सिग्निफिकेंसेस क्या क्या रहे इस बैटल ऑफ पलासी के, तो ये इसको मतलब इसका रिजल्ट क्या क्या रहा ये देखिएगा। बैटल ऑफ पलासी सबसे पहले तो इंग्लिश को एक वर्चुअल मास्टर बना दिया बंगाल के लिए, और उसके बाद जो पूरा का पूरा वास्ट हेल्थ था जो बहुत ज्यादा जो यहाँ पे रिच प्रोविंस के रूप में ये बंगाल जाना जाता था वो सारी चीजें किसके हाथ में आ गई, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई, और ये रिसोर्सेज जो है यही जो रिसोर्सेज थे जैसे कि पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि कार्नाटिक वॉर को हेल्प करने में ये जो बैटल ऑफ पलासी में सक्सेस था वो काफी ज्यादा अंग्रेजों के लिए हेल्पफुल रहा था, क्योंकि बंगाल के उनके पास आ जाने से उनमें रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे हो चुके थे जिसका यूज उन्होंने कार्नाटिक वॉर में किया। एक क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे कि क्या कार्नाटिक वॉर का सक्सेस बैटल ऑफ पलासी के सक्सेस पर डिपेंडेंट था,
यस बिल्कुल डिपेंडेंट था। तो इस तरीके से इंटरलिंकिंग की जाती है आंसर राइटिंग के लिए, और यूपीएससी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगी, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ देगी कि बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था, उसके सिग्निफिकेंसेस बताओ, इतना सीधा वो पूछेगी नहीं, है ना। ओके अब एक था कि मीर जाफर तो अब एक अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन चुका था, विक्ट्री उसकी बैटल ऑफ पलासी में जो हुई थी उसने ट्रेडिंग तो छोड़ो पॉलिटिकली भी अंग्रेजों को बहुत ज्यादा सत्ता दे दी, क्योंकि तो वो बस एक पपेट रूलर ही होके रह गया था। इट पेव द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ध्यान में रखिएगा ऐसा कहा जाता है, दिस इज द इट इज रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड दिस बैटल इटसेल्फ एस्टैब्लिश्ड द मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लिश इन बंगाल एटलीस्ट। The main rivals, the French were ousted, मतलब जो फ्रेंच थे उनको कम्प्लीटली कार्नाटिक वॉर से इन्होंने अंग्रेजों ने हटा रखा था। उसके बाद जो सोवेनिटी थी इंग्लिश की वो कैलकटा पे पूरी की पूरी रिकग्नाइज कर ली गई, है ना। अब यहाँ पे से चीजें शुरू होती हैं आपके बैटल ऑफ बक्सर के लिए, कैसे शुरू होती है देखते हैं। तो मीर जाफर जो है एक पपेट रूलर, उसके हाथ में तो उसको दिमाग तो कुछ है नहीं, बहुत ही वीक और बहुत ही इनएफिशिएंट रूलर था वो। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जो अपनी जागीर है ना, बहुत सारे जो रिच उसके प्रेजेंस थे, बहुत ज्यादा जो गिफ्ट्स थे वो उसने क्लाइव को देने शुरू कर दिए। अब उसके बदले में कंपनी ने क्या किया, उसको नवाब बना दिया कि भाई ठीक है हम तुम्हें बना देते हैं नवाब। अब लेकिन इसकी ट्रेजरी, इसका खजाना तो पूरा खाली हो चुका था इस मीर जाफर का, और उसके बाद खजाना खाली है तो तुम कंपनी के डिमांड को या फिर उसके ऑफिसर्स को जो डिमांड है वो कैसे पूरे कर पाओगे, क्योंकि अगर आप एक बार किसी को गिफ्ट दोगे, अब अगर आप एक बार किसी को मतलब जागीर दोगे, जो भी रिच रिच प्रेजेंट्स हैं वो दोगे, तो वो दोबारा भी एक्सपेक्ट करेगा ना। अब इसकी ओवर इंक्रीजिंग डिमांड, कभी वो कह देते होंगे कि भाई हमारे इतने सैनिक हैं इनको खिलाओ पिलाओ रखो, कहाँ से पूरे करोगे आप, आपकी खुद की जनता भूखी मर रही है क्योंकि आपका खजाना खाली हो चुका है। तो ये सारी चीजें जब होनी शुरू हुई, जब वो डिमांड कंपनी की और उसके ऑफिशियल की पूरी नहीं कर पाने लगे, तो मीर जाफर को हटा के उसके बेटे जो हैं, नहीं सॉरी उनके सन इन लॉ को मीर कासिम को गद्दी पे बिठाया गया, क्योंकि मीर जाफर तो काफी ज्यादा मतलब वो तो किसी काम के हो नहीं रहे थे। और उसके बाद जो है मीर कासिम के आने के बाद उन्होंने जो उनकी जमींदारी थी बर्दवान रीजन की, मदनापुर की और चित्तगांव की, वो एज अ रिवॉर्ड जो है वो कंपनी को दिया। बैटल ऑफ बक्सर के होने की एक मेन वजह ये थी कि मीर कासिम वॉज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल जिन्होंने रॉयल अथॉरिटी को रीअसर्ट करना शुरू कर दिया था, उनके पावर को कंसोलिडेट करने के लिए उसने रिफॉर्म करने शुरू कर दिए, डिसिप्लिन लाना शुरू कर दिया और आर्मी को अपने मेंटेन करना शुरू कर दिया, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो आर्मी जो उनकी ट्रेंड होती थी वो किसके द्वारा किए जाने लगे, वो यूरोपियंस के द्वारा ट्रेन किए जाने लगे। फाइनेंस को भी बैकअप करने के लिए उसने कुछ कुछ चीजें करनी शुरू कर दी, जैसे कि वो क्या करता था कि जो दस्तक था जो कि कंपनी के सर्वेंट्स के लिए का जो मिसयूज कर रहे थे कंपनी के सर्वेंट्स, उसके लिए उसने रोक लगा दी कि भाई आपको जो ड्यूटी फ्री जो प्राइवेट ट्रेड जो आप कर रहे हो ना अब ये नहीं चलेगा, आपको ड्यूटी तो जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब ये जो है इसके चलते जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो काफी ज्यादा मतलब कॉम्पिटिशन में आ गए। और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे अब ड्यूटी फ्री जो उनके ट्रेड होते थे ना उसके कारण जो ऑनेस्ट इंडियन ट्रेडर्स थे वो अनफेयर कंपटीशन में आ गया, है ना। और ये फिर से जो है वो नवाब ऑफ नवाब के लिए एक लार्ज रिवेन्यू जो थी उसकी उसको डिप्राइव करना शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया कि मीर कासिम ने एक ड्रास्टिक स्टेप लिया कि उसने ड्यूटीज जो इंटरनल ट्रेड पे थी वो सारी की सारी हटा दी, अबॉलिश कर दी। उसके बाद फिर क्या हुआ, इंग्लिश और इंडियन मर्चेंट्स जो है बिल्कुल एकदम सेम फुट पे आ गए, है ना। लेकिन अब जब सेम फुट पे आ गए तो जैसे उनसे तो नहीं ले रहे थे ड्यूटी, और लेकिन इंडियन मर्चेंट्स को देना पड़ा था, अब इंडियन मर्चेंट्स से भी नहीं ले रहे हैं, तो क्या हुआ दोनों बराबरी में आ गए। अब ये चीज हो गई इंग्लिश को खटकनी शुरू, ये उनको फ्यूरियस होना, उनको डर सता गया इस बात का कि कहीं ये जो लॉस है ये इनको होना ना शुरू हो जाए, कहीं ये लोग मतलब ज्यादा हमसे आगे ना बढ़ जाएं। तो उसने क्या सोचा कि भाई अब इसको हटाना पड़ेगा, मीर कासिम को तो हटाना पड़ेगा। अब 1763 में एक वॉर छिड़ गया मीर कासिम और इंग्लिश के बीच में। नवाब जो है वो भागने की कोशिश करा अवध,
जहां पे मीर जाफर ने जो मतलब मीर जाफर को तब तक के लिए यहाँ पे गद्दी पे फिर से बिठाया गया और मीर कासिम ने एक अलायंस जो है वो फॉर्म किया, एक संगठन तैयार किया, किसके किसके साथ मिलके, नवाब ऑफ अवध के साथ और शाह आलम द्वितीय के साथ। इन दोनों के साथ इन्होंने एक संगठन बनाया जो कि मुगल एम्परर थे शाह आलम द्वितीय, और उसके बाद इनकी कंबाइंड आर्मी ने इनके ऊपर धावा बोल दिया अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन ये जो है इनकी हार हो जाती है क्योंकि उस समय इंग्लिश फोर्स किसके अंडर में थी, मेजर हेक्टर मनरो के अंडर में थी, जो कि ये बैटल ऑफ बक्सर में जिन्होंने अपना काम किया था। और ये 1760 अक्टूबर 22 1764 को ये बैटल ऑफ बक्सर होता है जिसमें इंग्लिश जो है वो अच्छे तरीके से सुप्रीमेसीज अपनी हासिल करते हैं इंडिया पे, होल कंट्री पे, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर को ये जीत जाते हैं। अब ये कह सकते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर को माना जाता है द मोस्ट डिसाइसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इसने फाइनली जो है ब्रिटिशर्स को ना सिर्फ बंगाल बल्कि बिहार, उड़ीसा और ये सारे रीजंस पे भी कंट्रोल दे दिया था। अवध के यहाँ पे राजा थे, अवध पे भी कंट्रोल मिल गया, मुगल एम्परर यहाँ पे शामिल थे, मुगलों पे भी राज मिल गया, है ना। तीनों का संगठन बिल्कुल, एक अकेले लड़ता तो सिर्फ बंगाल जाता हाथ से, लेकिन अब तो क्या था, अवध भी गया हाथ से और पूरा का पूरा तो खैर मुगल एम्परर ही हार गया, तो सारा का सारा इंडिया ही उनके कब्जे में आ गया। उसके बाद फिर क्या है, मीर जाफर को मतलब नवाबशिप जो है वो बंगाल की दे दी गई। आफ्टर द बैटल मीर जाफर अग्रीड टू हैंड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर, बर्दवान और चित्तगांव टू इंग्लिश फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी। अब मीर जाफर करता भी क्या, पपेट रूलर था वो, तो जो वो बोलेंगे वो ही वो करेगा, है ना। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इन्होंने साइन किया रॉबर्ट क्लाइव ने इसके बाद, है ना। और उसके बाद जो दीवानी राइट थी वो शाह आलम को दे दी गई। 1765 में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन किया गया, क्लाइव ने किसके साथ किया, सुहाजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ। इसके द्वारा बहुत सारे कंडीशंस रखे गए जिसमें मतलब अवध को रिस्टोर किया गया तो सुजाउद्दौला उनको वापस दे दिया गया और 50 लाख जो है वो मतलब पेमेंट करनी थी उनको कंपनी को देना पड़ा था बदले में उनको, और उसके बदले में प्रॉमिस किया कंपनी ने कि वो अवध को जो है एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्शन भी देंगे, और मतलब उसके अलावा भी जो डिस्ट्रिक्ट थे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट थे वो मुगल एम्परर को दे दिए गए। एनुअल पेमेंट उनको 26 लाख रुपए के आसपास रखा गया था, और उसके बाद मुगल एम्परर को भी जो बंगाल की और बिहार की और उड़ीसा की जो थी वो उन्होंने रिटर्न कर दी। मतलब इसके बदले में क्या किया कि मुगल एम्परर ने इनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी को थी उसकी दीवानी राइट दे दी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए। तो ये सारी चीजें हो रही थी कि मतलब आपको ये हम दे रहे हैं तो बदले में हमें ये दो, और इसके चलते क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई तो इनको रिवेन्यू काफी ज्यादा इन प्रोविंसेस से आने लग गए, और जिसके लिए इन्होंने मतलब क्या किया, एक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना जो है कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बंगाल की करनी शुरू कर दी, कंपनी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होने लग गई। और अब क्या था, अब एक चीज आप कह सकते हो कि बंगाल पे कंट्रोल होने के बाद कंपनी को क्या था, लीगल राइट मिल गया था। ओके, अब डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की यहाँ पे एक बात आती है, ठीक है। तो जब डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की आप बात करते हो तो ये 1765 से 1772 का टाइम पीरियड था। तो 1765 में डुअल गवर्नमेंट जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्टैब्लिश की गई थी, ये ध्यान में रखिएगा, ईयर ध्यान में रखिएगा और जो ये प्रोविंसेस हैं उसको ध्यान में रखिएगा। तो दीवानी के वर्च्यू पे क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट जो है रिसोर्सेस इन एरिया से, इन प्रोविंसेस से कलेक्ट कर सकती थी, और उसके बाद मिलिट्री पावर और क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन, इसके अलावा ये भी दोनों इनके हाथ में थे। तो समझ लो, फाइनेंस भी, मिलिट्री भी और क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन भी, तीनों किसके हाथ में, कंपनी के हाथ में। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है किंगडम की वो किसके हाथ में रहे, नवाब के हाथ में है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया डुअल गवर्नमेंट का। नवाब को जो है वो भार सौंप दिया गया कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है कंट्री का, लेकिन भैया वो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा कैसे, रिसोर्सेस जितने हैं, रिच प्रोविंसेस जितने हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उसको आपने ले रखा है, मिलिट्री पावर आपने ले रखा है, क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन आपने ले रखा है, तो ये कैसे मतलब कैसे इसको एडमिनिस्टर कर पाएंगे,
ये डुअल गवर्नमेंट लाने का क्या सेंस कोई बन नहीं रहा था। तो अब यहाँ पे जो नवाब है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो एडमिनिस्टर कर सके कंट्री को विदाउट द रिसोर्सेस, ये बहुत ज्यादा इनएफिशियंट शुरू होना हो गया था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये प्रूव होना शुरू हो गया था। कंपनी को कंट्रोल था रिसोर्सेस पे, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना थी कि उनको कंट्री को भी एडमिनिस्टर करना है, उनको तो बस रिसोर्सेस इकट्ठे कर रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन का भार है वो उन्होंने नवाब के हाथ में दे दिया जिसका कि खजाना ही खाली है। तो ऑब्वियसली कंपनी जो है वो अब क्या कर रही थी, अपने आप को बचा रही थी कि फालतू का रिवेन्यू हमें नहीं स्पेंड करना है, नहीं खर्च करना है। इट कलेक्टेड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब कि जिसको नवाब के हाथ में वो चीजें दे दी कि जहां पे वेलफेयर ऑफ पीपल की बात आ रही है, जहां पे खर्चे की बात आ रही है, भैया आप संभालो, बाकी चीजें जो है प्रोविंसेस, रिच प्रोविंसेस हम संभाल रहे हैं। तो ये जो था ये बहुत ज्यादा मिजरेबल साबित हुआ था, ये डुअल गवर्नमेंट जो था यहाँ पे बंगाल में लाया जाने लगा। यहाँ पे रिवेन्यू ऑफिशियल्स जो है वो काफी ज्यादा मनी एक्सॉर्ट करते थे, जो यहाँ के किसान थे उससे काफी ज्यादा वो मतलब नाजायज चीजें लेते थे, इनफैक्ट उनको भूखे मारने पे ये लोग आतुर हो चुके थे। और उसके बाद 1770 में एक बहुत बड़ा अकाल भी पड़ा था जिसके कारण मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे और कंपनी ने उसने कुछ भी हेल्प नहीं किया था। मतलब आप ये कह सकते हो, ऐसा कहा जाता है कि 1/3 जो पॉपुलेशन था वो ऑलरेडी ऐसे ही अकाल से मर गया था। एट द सेम टाइम जो क्लाइव थे वो इंग्लैंड के लिए वापस चले गए और उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है वो कोई भी मतलब ट्रेड के मामले में सिर्फ बंगाल में रह गए थे, लीगली जो है वो रूलर्स हो चुके थे ये इस प्रोविंस के, ट्रेड थोड़ा सा कम हो चुका था इनका और मेनली वो जो है वो रूलर हो चुके थे यहाँ पे। सो इस तरीके से जो है वो बैटल ऑफ बक्सर के होने का मतलब कारण बना था कि यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद जो डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल आया था, सेटलमेंट जो यहाँ पे क्लाइव ने करना शुरू किया था, जो नवाब ऑफ बंगाल और उसके बाद उनके साथ मिलके शाह आलम के साथ मिलके, वो काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुआ था। जो कि इफेक्ट आप देख सकते हो कि होल एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे दीवानी फंक्शन के लिए इन्होंने क्या किया, कंपनी ने दो चीजें अपॉइंट की, डेप्यूटी दीवान मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए और राजा सिताब राय को इन्होंने बिहार के लिए जो है वो चुना। और ये था दीवानी के लिए, ये ध्यान में रखिएगा, एक था दीवानी के लिए जो कि कलेक्ट करेगी रिवेन्यू और दूसरा था निजामत जो कि पुलिस और जुडिशियल फंक्शन के लिए काम करेगी, वो किसके हाथ में आ गई थी, कंपनी के हाथ में आ गई थी। और उसके बाद कंपनी जो थी वो एक एक्चुअल दीवान के रूप में बन के रह रही थी और सिर्फ मतलब मोहम्मद रजा खान जो है वो डेप्यूटी निजाम की तरह जो है वो काम कर रहे थे। तो होल एडमिनिस्ट्रेशन निजामत और दीवानी सब किसके द्वारा हो रही थी, इंडियन एजेंसी के द्वारा हो रही थी, लेकिन एक्चुअल पावर किसके हाथ में था, कंपनी के हाथ में था। ये था आपका डुअल गवर्नमेंट। निजामत, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, द होल एडमिनिस्ट्रेशन, निजामत भी दीवानी भी, ये सारी चीजें जो है इंडियन एजेंसी कर रही थी एक्सरसाइज, लेकिन एक्चुअल पावर किसके हाथ में था, कंपनी के हाथ में था। सो दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो डायरकी थी, जो रूल ऑफ टू था, वो था कंपनी और नवाब का, जो कि एक डिजास्टर स्टेप साबित हुआ था और इसके इफेक्ट भी काफी ज्यादा खतरनाक हुए थे। इसमें निजामत की इनएफिशिएंसी दिख गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी खामियां है वो दिख गई थी, पीजेंस जो थे बंगाल के किसान जो थे वो बुरी तरीके से सफर होना शुरू हो गए थे, उनको हरास करना शुरू कर दिया गया था और उसके बाद जो दस्तक था उसका फिर से मिसयूज करना शुरू हो चुका था। कंपनी के सर्वेंट्स जो है अपने इंटरेस्ट के लिए कंपनी कंट्री को बहुत ज्यादा रूइन कर रहे थे, उनके मर्चेंट्स को, उनके ट्रेडर्स को काफी ज्यादा रूइन कर रहे थे और उसके बाद ट्रेड और कॉमर्स भी बुरी तरीके से इन्होंने इंटरप्ट कर दिया था, डिसरप्ट कर दिया था। जो मोनोपोलाइज थी इंटरनल ट्रेड पे बंगाल में, कंपनी ने वहां पे भी मतलब अपने रॉ मटेरियल्स जितने थे कॉटन और सिल्क, इसका डिसएडवांटेज लेना शुरू कर दिया था इंडियन प्रोड्यूसर्स से। तो आर्टिसंस जो थे वो उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो था वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो चुका था, उनका कुछ भी ऐसा था नहीं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, है ना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जब लॉस हुआ था तो यही आपको जब हम पढ़ेंगे आगे की चीजें, तो जो सिपाही विद्रोह का बनता है एक वजह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल आर्टिसंस थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी उनकी, ये लोग मतलब अपनी ही चीजें किए जा रहे थे और लोकल लोगों पे कोई ध्यान ये दे नहीं रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसमें सबसे ज्यादा घाटे पे थी। और उसके बाद मॉरल डिग्रेडेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा था बंगाल के सोसाइटी में, और मतलब सोसाइटी बहुत ज्यादा स्टैटिक हो चुकी थी और डिके पे जा चुकी थी।
ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपके ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के लिए पढ़नी थी आपको। अब यही सारी चीजें आपको आज के लेसन में था। अब अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीजें। आज आपको समझ में आ गया कि ब्रिटिश ने अपने पावर को कैसे कैसे कंसोलिडेट किया, कैसे बैटल ऑफ पलासी हुआ, ब्लैक होल ट्रेजेडी, और किस तरीके से बैटल ऑफ पलासी होने के बाद बैटल ऑफ बक्सर का जन्म होता है। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। एकदम बिल्कुल अच्छे से जो चाहो टाइप करो, अगर बुराई भी करनी है तो भी करो, या जो भी आपके मन में आता है, कोई डाउट आता है या कुछ भी आता है, तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइकिंग इट। अनामिका साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दिस कोरोना इज स्प्रेडिंग लाइक यू नो बहुत ज्यादा तेजी से, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। सैनिटाइजर और मास्क को अपनी लाइफ बना लीजिए, बिल्कुल अपनी लाइफ ही बना लीजिए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ अभी काम आने वाला आपके है नहीं, है ना। जहां भी जाओ बिल्कुल सैनिटाइज करो खुद को, और अगर आप कहीं बाहर से आते हो, कहीं से भी ट्रैवल किया हो आपने, खुद को मत भूलना, आप क्वारंटीन करना, बिल्कुल अच्छे से क्वारंटीन करो 8-10 दिनों के लिए, ताकि आपके फैमिली मेंबर्स को कोई भी मतलब रिस्क ना हो उन पे कम से कम, है ना, बिकॉज एल्डर्स को आपको बचा के रखना है। आई होप ये सारी चीजें आप जानते हो, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करो अपनी, और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।